पैनमा जीआईटी ने वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को 5 जुलाई सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पेश ना होने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। हसन नवाज 3 और हुसैन नवाज 4 जुलाई को फिर तलब। वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार तारिक शफी भी 2 जुलाई को जेआईटी के सामने पेश होंगे। ईद के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। मनपसंद खाबों की तैयारियां रूज पर। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। रंजिश की बातें भुलाएं, एक दूसरे से गले मिलें और मुस्कुराएं। ईद का दूसरा रोज यादगार बनाएं। असल ईद तो बच्चों की होती है। ईद के दूसरे रोज भी बच्चा पार्टी की ईदी जमा करने की मुहिम जारी। ईदी ठिकाने लगाने के लिए बड़ों को लेकर तफरी मकामात पर पहुंच गए। खूब मौज मस्ती। मैं पापा के साथ आई, मैंने सैर भी किया, मैं दरिया पे आई हूँ, मैंने झूले भी लिए। हम यहाँ घूमने आए, यहाँ म्यूजियम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। सानहा ऑयल टैंकर अहमदपुर शर्के के मजीद 3 जख्मी निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए। जहाँ बाहक अफराद की तादाद 154 हो गई। सानहे में झुलस कर नाकाबिले शनाख्त हो जाने वाले 125 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा आज बहावलपुर में अदा की जाएगी। कब्रों की खुदाई जारी। पारा चनार बम धमाकों के खिलाफ धरना 5वें रोज भी जारी। बम धमाकों में 67 अफराद जा बहक और 250 जख्मी हुए थे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल अमरीकी महकमा खारजा ने कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरबरा सैयद सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। महकमा खारजा का कहना है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने मकबूजा कश्मीर में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की और उसे भारतीय फौज का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दी। अमरीका और भारत को दहशतगर्दी के मुश्तरक खतरा का सामना है। इस्लामी इंतहा पसंदी का खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में भारतीय वजीर आजम के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोथ आवर नेशंस हैव बीन स्ट्रक बाय द इविल्स ऑफ टेररिज्म एंड वी आर बोथ डिटरमिन्ड टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रैडिकल आइडियोलॉजी दैट ड्राइव्स देम। वी विल डिस्ट्रॉय रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के विजन में कोई फर्क नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस तावुन बढ़ाएंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका के साथ तावुन करेंगे। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग है। व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीरियों और सिखों का एहतजाज। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद कराने का मुतालबा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का ईरान लीबिया सोमालिया सूडान और यमन के शहरियों पर सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन गैर मुल्कियों पर लागू नहीं होगा जिनका किसी भी अमरीकी शख्स या इदारे से हकीकी ताल्लुक है। इस्लामाबाद पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में पारा 36 डिग्री पर मौजूद। गर्मी और हब से लोगों का बुरा हाल।